तीन चार वो लेडीज मर गया दबा के अंदर, यही अंदर में, यही अंदर में भैया। हाँ खाली दारू पी पी के धक्का मार के धकेल धकेल दाब के मुआ दिया। तीन चार लेडी जल्दी जाइए बाबू। अरे हम भाग के आए हैं मरते जीते हुए ननी मुखी पोती के लेके। उठा के ले जाइए, उठा के ले जाइए, उठा के ले जाइए, उठा के। अभी गौर करना, रावण के राज्य में रावण स्वयं बाकी राक्षस भैंसा का भोजन करते, उसमें कोई रखवाली नहीं है, लेकिन फल का जो बाघ है उसमें रखवाली है। फलाहार के लिए रोक हो, जहाँ पर भगवान के भजन के लिए रोक हो, समझ जाना चाहिए रावण का भी राज्य प्रारंभ हो। तो रावण के राज्य में सब कुछ फ्री है, लेकिन आप फलाहार नहीं कर सकते, फलाहार पर रोक है। रावण का है पर अधिकार आपका है। माता जानकी जी ने कहा कैसे, हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माँ पेड़ों का संबंध जमीन से है, पृथ्वी से है, और आपका संबंध भी पृथ्वी से है, आप भी प्रकट पृथ्वी से हुई और पेड़ों की जड़ भी पृथ्वी में है, तो ये तो आपके ही सगे सगाती हुए। तो हमें लगता है निकल जाइए, इधर इधर निकल जाइए, कोई उपाय नहीं। रावण का जरूर बाघ अधिकार आपका है। तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा उठ जा बाबा, बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले, माता हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बागेश्वर धाम सरकार जी का कार्यक्रम चल रहा है और लोग यहाँ पे गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको सबसे पहले एक्टिव रहना चाहिए। और देख लीजिए कि आज कितने लोग परेशान हो गए हैं बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए, देख सकते हैं। भक्ति है, भक्ति है। हनुमान जी ने माता जानकी से कहा, हमें भूख लगी। माता जानकी जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा भूख तो लगी है,